कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी डाउनलोड द ऐप नाउ। नमामि धन्वंतरि वादिदेवं सुरासुरै वंदित पाद पद्मं लोके जरार भय मृत्युनाशं दातार भीषं विविधौषधीनां शंखं चक्रं चलोकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजने प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग कुछ तुलसी के बारे में बात करेंगे। आज गुरु पूर्णिमा का बहुत ही अच्छा महोत्सव मनाया जा रहा है सब जगह, तो हम लोग तुलसी के बारे में बात करेंगे इस शुभ मुहूर्त पे। आप लोग भी अपना अपना मत बता सकते हैं। तुलसी जो है वो भारतीय परंपरा में बहुत ही महत्वपूर्ण वनस्पति है और इसको तो देवी का स्वरूप भी माना गया है, तो हम लोग तुलसी के बारे में आज बहुत जो जरूरी है वह बात करेंगे। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में तुलसी का बहुत ज्यादा महत्व है। जब भी मृत्यु होती है तो उसके पहले अगर तुलसी और गंगा जल दे दिया जाए तो वैकुंठ में विष्णु भगवान अपने पास बुला लेते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो हम तुलसी का आयुर्वेदीय चिकित्सा में क्या महत्व है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो आपने भाव प्रकाश निघंटू में, द्रव्य गुण में बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन मैं कुछ अलग तरीके से तुलसी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तुलसी जो है इसकी निरुक्ति क्या बताई है, तो ऐसा बताया है शब्दकोश जो डिक्शनरी होता है संस्कृत में, उसमें ऐसा बताया कि तुलाम उपमा सादृश्यम वा अस्यति क्षिपति इति, मतलब जो अनुपम है, जो अतुलनीय है, मतलब जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है, जो अद्वितीय है, मतलब इसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता, ऐसी तुलसी है। इसी तरह से इसके पर्याय नाम है तो अपेत राक्षसी, अपेता राक्षसा, राक्षस तदृशानी पापानी रोगाः वा अस्या दर्शना सेवनात् वा नष्टो भवति इति, मतलब तुलसी का अगर दर्शन अगर कर लिया किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने या राक्षस ने तो वह नष्ट हो जाता है। इसी तरह से तुलसी का सेवन करने से जो राक्षसवत पाप है वह नष्ट हो जाता है। तुलसी का सेवन करने से सभी तरह के रोग दूर हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम है अपेत राक्षसी। राक्षस टाइप जो निगेटिव एनर्जी है सभी को यह नष्ट कर देती है। फिर इसका नाम है सुरसा। सुरसा का मतलब क्या बताया है, सुष्टु रस से अस्या अस्य इतिवा, मतलब जिसका रस बहुत ही अच्छा है, सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए इसका नाम है सुरसा। उसके बाद है देव दुंदुभि, देवानाम दुंदुभिरिव हर्ष प्रदानात इति, मतलब देवताओं को या भगवान को जो प्रिय है, इसलिए देव दुंदुभि, दुंदुभि मतलब जिस तरह से नगाड़ा बजाया जाता है तो मन को कितना प्रसन्नता लगती है, तो ऐसी तुलसी जो है ये सभी देवताओं को और खासकर विष्णु भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है, इसलिए इसका नाम है देव दुंदुभि। ये सभी पर्याय जो भी है सिनोनिम्स, इनका विचार करते रहे तो
तो हमें पता चलता है कि तुलसी जो वनस्पति है इसकी तुलना तो किसी और वनस्पति से हो ही नहीं सकती है, इतनी श्रेष्ठ ये वनस्पति है। इसको ऐसा बोलना चाहिए कि तुलना क्या करेंगे, ये तो सभी वनस्पतियों में सर्वश्रेष्ठतम है, इसके जैसा तो कोई श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता है। तुलसी का एक सबसे खास बात है, जितना पीपल ऑक्सीजन नहीं छोड़ते है उतना तुलसी 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ती रहती है, मतलब इससे दिन हो या रात हो हमेशा ऑक्सीजन आता है। इसलिए कैंसर के पेशेंट को ऐसा बोला जाता है कि आप जहां पर भी कैंसर के पेशेंट हैं वहां पर आपका आयु बढ़ाना है, वहां पे घर में गमला में आप तुलसी का पौधा रखिए या तुलसी के पास सोइए। इसीलिए ये आंगन आंगन में तुलसी का इतना ज्यादा महत्व बताया गया है। उसके बाद में इसका साइंटिफिक बेस जो है, या अभी तक तो आयुर्वेद में नहीं बताया है लेकिन मॉडर्न साइंस में इसका बहुत रिसर्च हुआ है कि तुलसी से 24 आवर्स ऑक्सीजन निकलता है। ये जो वनस्पति है तुलसी, जिसको हम अपेत राक्षसी या भूतग्नि बोलते हैं, भूतग्नि का मतलब है कि जो भूत प्रेत का नाश करती है। भूत प्रेत मतलब बैक्टेरियो बैक्टेरियोसाइडल प्रॉपर्टी है, मतलब ये मतलब पूरी तरह से बैक्टीरिया वगैरह को मार देती है, वायरस को मार देती है। दक्षिण अफ्रीका में इसको मॉस्किटो प्लांट ऑफ साउथ अफ्रीका ऐसे बोलते हैं, और क्योंकि ये मच्छरों को भी दूर भगाती है। वहां की जो अफ्रीका की जो तुलसी होती है वह क्या करती है कि वहां के मतलब मॉस्किटो को भी दूर भगा देती है, उस जगह की तुलसी। यह वनस्पति घर के पास रहने से, इसको तुलसी की माला पहनने से या फिर इसके सेवन करने से जंतुओं का त्रास जो तकलीफ है वो कभी नहीं होता है, मतलब बैक्टीरिया वायरस वगैरह कभी भी शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसलिए तुलसी की माला, एक तो वो है कि धार्मिक महत्व है ही कि तुलसी की माला पहननी चाहिए, वो ठीक है, लेकिन ये कभी भी बैक्टीरिया वगैरह को दूर रखती है, वायरस को दूर रखती है, तो कोई बीमारी नहीं होता है। दूसरा क्या है कि इसके साथ ये ओजोन वायु जो रहती है उसको कंटिन्यू छोड़ती है, और ये ग्राउंड लेवल में इसका क्या क्या उपयोग होता है वो तो हम लोग देखेंगे। और यह जो है कि अल्ट्रा वायलेट रेज जो रहता है सनलाइट से आता है डायरेक्ट, अगर स्किन पे पड़े या आंखों पे पड़े तो नुकसान पहुंचा सकती है, तो ये क्या करती है कि ये इसको रिफ्लेक्ट कर देती है, मतलब हमारे बॉडी में उतना उसका दुष्परिणाम नहीं होता है अगर तुलसी की माला हमारे बॉडी में हमेशा पहना जा रहा है तो, ठीक है। और एशिया में, अफ्रीका में, अमेरिका में ऐसे देखा जाए तो 60 से ज्यादा टाइप्स ऑफ तुलसी है। हम लोग तो ये राम तुलसी कृष्ण तुलसी यही भारत में जानते हैं, लेकिन रिसर्च करके ऐसा पाया गया कि 60 टाइप्स ऑफ तुलसी ऐसा है। और दूसरा क्या है कि यूरोपियन प्रकार अगर देखें तो उसमें अमेरिका और यूरोप के टाइप कुछ अलग टाइप की तुलसी आती है। फिर रियूनियन जो है यूरोप की कंट्रीज है वहां की जो तुलसी है वो कुछ अलग टाइप की तुलसी आती है। और दूसरा क्या है कि जो मेडागास्कर का एरिया है कोमोरस, वहां पे कुछ अलग तरह की तुलसी आती है। फिर उसके बाद में इजिप्ट और ब्रिटेन, भारत, बुल्गेरिया, यहाँ पे कुछ अलग तरह की तुलसी आती है। जावा और रशिया में कुछ अलग टाइप की तुलसी आती है। अब भारत में जो तुलसी है हम लोग तो केवल 2 ही प्रजाति जानते हैं, लेकिन रिसर्च करके ऐसे पता चला कि 8 टाइप की तुलसी होती है। तो एक देव पूजा के लिए तुलसी होती है, उसका लैटिन में ऑसिमम सैंक्टम। एक काली तुलसी होती है, एक जंगली तुलसी होती है वन तुलसी, एक होती है कपूर तुलसी, एक होती है बड़ी वाली जो बरबरी सब्जा तुलसी, एक होती है दाहिद्र तुलसी, एक होती है लवंगी तुलसी, मतलब जिसमें तुलसी और बन तुलसी को हाइब्रिड करके बनाया गया है, एक होती है मरुआ तुलसी। तो ऐसे बहुत सारे तुलसी के टाइप्स मिलते हैं। आयुर्वेद में 2 टाइप बताइए, और सुश्रुत और भाव प्रकाश में भी 2 टाइप बताइए। एक श्वेत सुरता मतलब सफेद वाली तुलसी, एक काली वाली तुलसी, और भाव प्रकाश में भी शुक्ल और कृष्ण तुलसी, ऐसे 2 टाइप बताए। तुलसी का उपयोग जो है ये कहाँ कहाँ होता है, तो जिनको भी नाइट ब्लाइंडनेस है, रात को दिखाई नहीं देता है, तो तुलसी का स्वरस निकाल के मतलब उसको पीस के, मिक्सी में पीस के उसका रस निकाल के या सिलबट्टे में पीस के उसका रस निकाल के 14 डेज तक अगर इंटरनली पेट में पिया जाए तो इससे, और दो दो ड्रॉप आंखों में डाला जाए तुलसी का स्वरस, तो नाइट ब्लाइंडनेस पूरी तरह से ठीक कर देती है। इतनी बढ़िया तुलसी है, हमें मालूम ही नहीं है इतना बढ़िया बढ़िया है। इसी तरह से जो मधुमक्खी काटती है तो तुलसी और जो गेंदे का फूल होता है वह अगर लगा दिया, तुलसी और गेंदे का फूल का स्वरस लगा दिया
तो जो भी मधुमक्खी ने काटा है या भौंरा जो रहता है वो उसने काटा, तो वहां का पॉइजन जो है वो नष्ट करता है। मतलब इसमें बहुत ज्यादा जो बोलेंगे अगध है, विषग्न प्रॉपर्टी है। इसी तरह से जहां पे जख्म हो गया है वहां पे तुलसी का स्वरस और तुलसी का कल्क चटनी जैसा बना के वो लगा दिया तो जख्म पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसी तरह से अगर किसी को फेस पे बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन है ना, तो उसमें तुलसी के पत्तों को दूध में पीस के और वह मिश्रण को चेहरे पे लगा दिया तो काले दाग जो है पिगमेंटेशन वह पूरी तरह से ठीक होते हैं। पिगमेंटेशन चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स से हो सकता है, पिंपल्स की वजह से हो सकता है, या फिर कोई और चेहरे के एक्ने वगैरह उसके वजह से भी हो सकता है, तो ये पूरी तरह से ये ठीक कर देती है। इसी तरह से तुलसी का बीज होता है और हल्दी, इनको तेल गरम करके लगा के अगर हमने लगाया तो एब्सेस जो रहता है वो फूट जाता है पूरा। एब्सेस कहीं पर भी रहेगा ना और उसको फोड़ना है, वो अमावस्था में उसको फोड़ना है, तो तुलसी का बीज और हल्दी को तेल में गरम करके मिक्स करके और लगा देना है, एब्सेस को वो पका के फोड़ देती है। अगर दांत बहुत ज्यादा दुख रहा है तो तुलसी के पत्ते लेना है और काली मिर्च लेना है और दांतों के बीच में दबा के ऐसे पीस के और रखना है। जैसे दांत दुखना उसके स्वरस से जो काली मिर्च है और तुलसी के पत्ते हैं उनसे ये पूरी तरह से दर्द को ठीक कर देती है। 1 मिनट रुकिए। इसी तरह से है, अगर हम लोग देखें तो सोते टाइम तुलसी का जो स्वरस है वह अगर पूरे बॉडी पे लगा दिया, अपने बॉडी पे लगा दिया तो मच्छर नहीं काटते हैं, इतना बढ़िया इसका रोल रहता है। इसी तरह से किसी को रिंग वॉर्म है या फिर एक्जिमा है, खुजली, खाज खुजली वगैरह है, तो फंगल इन्फेक्शन है, रिंग वॉर्म वगैरह, तो उसमें तुलसी का जो स्वरस है या कल्क मिक्स करके लगा दीजिए। तो हर तरह, अभी क्या है कि बारिश के सीजन में लोग गीला गीला अंडरवेयर वगैरह पहनते हैं तो उनको रिंग वॉर्म वगैरह हो जाता है साइड में, तो ये तुलसी का कल्क या रस लगा दिया ना तो वो पूरी तरह से एक्जिमा और रिंग वॉर्म फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। अगर कान दुख रहा है तो तुलसी का स्वरस को कान में डालने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर सांप ने काट दिया तो तुलसी के पत्ते और पुष्प की मंजरी जो होती है वह पूरे स्वरस निकाल के पूरे बॉडी पे लगा दिया और उसी को पीने के लिए दिया, पत्र पुष्प मंजरी का रस, तो इससे सांप के काटने का जो जहर है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। अगर बिच्छू ने काट दिया है तो तुलसी का जो मूल है, जड़ है, उसको लेके पीस के और वह लगाते हैं तो बिच्छू का काटा हुआ जो है जहर वो पूरी तरह से नष्ट होता है, मतलब ये एंटीडोट है। इसी तरह से निसर्गोपचार जो रहता है नेचुरोपैथी में, तो तुलसी के आसपास का जो मिट्टी है उसको मड थेरेपी के लिए यूज करते हैं, बहुत अच्छा माना जाता है उसको। या फिर किसी को ना यूरिन में जलन हो रहा है या फिर बॉडी में हीट है बहुत ज्यादा, तो इसको, इसके जो बीज है और खासकर बन तुलसी जो बड़ा सब्जा का बीज होता है वह पानी में डाल के फुला के और वह शरबत के रूप में पिया जाता है, या फिर हमारा जलजीरा का पानी वगैरह रहता है उसमें भी ये सब्जा का बीज वगैरह, बन तुलसी का बड़ा बड़ा बीज वो डाल के पीते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अगर पेट में बहुत ज्यादा दुख रहा है तो तुलसी का स्वरस और अदरक का रस इसको मिश्रण करके दे दिया तो पेट दुखने में बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर किसी को सर्दी जुकाम खोखला खांसी वगैरह है तो इसके पत्तों का रस या काढ़ा को मधु डाल के, काढ़ा को ठंडा करके मधु डाल के, शहद डाल के पीने से सर्दी खांसी जुकाम और वायरल फीवर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अगर वायरल फीवर बहुत ज्यादा है तो तुलसी का स्वरस में काली मिर्च का चूर्ण डाल के, खासकर बारिश के टाइम पे जो सीजनल चेंज होने की वजह से जो बारिश फीवर होता है उसमें तुलसी के स्वरस को काली मिर्च डाल के देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और मैंने एक बताया था कि लीवर की पैथोलॉजी में एसजीओटी एसजीपीटी बड़ा होता है, तो 50-50 ml तुलसी का पत्र का रस निकाल के ज्यादा मात्रा में उसका स्वरस दिया तो 1 या 2 दिन में एसजीओटी एसजीपीटी नॉर्मल हो जाता है। कितना भी हिपेटाइटिस बी हो, वायरल इन्फेक्शन हो, या कुछ भी लीवर का इंफ्लेमेशन हो, तुलसी जैसा, क्योंकि तो तुलसी में ताम्र भस्म होता है, नेचुरल कॉपर होता है ताम्र भस्म, तो यकृत को उत्तेजना करता है, यकृत का कार्य अच्छा करता है, इसलिए तुलसी इतना बढ़िया बताया। जो अपने गांव में या आदिवासी लोग हैं ये लोग तो बहुत ज्यादा तुलसी का प्रयोग करते हैं, और लेकिन हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमारे जो पूर्वज थे भारत के, आप हमारे सारे पूर्वज थे, उन लोगों ने तुलसी के महत्व को बहुत समझा है, और हमारे सारे पूर्वज ऋषि मुनि थे तो उन लोगों ने तुलसी पे बहुत ज्यादा रिसर्च किया है,
और फिर बाद में उन्होंने अपनी संस्कृति में ही ला दिया कि विष्णु भगवान का जो प्रसाद है वो जब तक हम तुलसी नहीं चढ़ाएंगे वो भगवान को मतलब भगवान एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इतना ज्यादा महत्व बताया है। तो कैसे भी बॉडी में तुलसी जाते रहे तो विषग्न प्रभाव जो है, विष को नष्ट करने का प्रभाव है, वो नष्ट हो जाए, मतलब वो कायम रहे, बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार होते रहे। आयुर्वेदिक दृष्टि से देखें तो तुलसी कटु तिक्त रस का होता है, लघु और रुक्ष गुण का होता है, उष्ण विरियात्मक होता है और यह कफ वात शामक रहता है। लेकिन अगर ज्यादा तुलसी खाया जाए तो पित्तवर्धक भी रहता है, इसलिए एक डोज जो रहता है उतना ही खाना चाहिए। उसी तरह से जो छोटे बच्चों को सर्दी जुकाम छाती भर जाता है कफ की वजह से, खांसी आती है, तो उसमें तुलसी जो है बहुत अच्छा, तुलसी का अर्क भी मिलता है, बहुत अच्छा काम करता है। तुलसी का सबसे ज्यादा वैशिष्ट यह है कि यह स्निग्ध पिच्छल, इसके जो बीज होते हैं शीत गुण के होते हैं, वह दाह कम करता है। तो मैंने जो बताया ना वन तुलसी का जो बीज होता है सब्जा, महाराष्ट्र में बहुत चलता है, सब्जा का बीज डाल के हर शरबत में पिया जाता है, तो बहुत अच्छा हीट को कम कर देता है। आधुनिक शास्त्रानुसार अगर देखें तो इस पे रिसर्च हुए बहुत ज्यादा द्रव्य गुण में, तो एंटीबैक्टीरियल इसके काम दिखाई देते हैं, और ई कोलाई, स्टेफिलोकोकस, एम ट्यूबरकुलोजिस, माइक्रोपायोजिन्स, ये बैक्टीरिया जो रहते हैं इस पे बहुत अच्छा काम होता है। एंटी फंगल के रूप में भी ये स्किन पे बहुत अच्छा काम करता है। इसके बाद में एक्सपेक्टोरेंट या एंटी पैरेटिक, एनाल्जेसिक इसके काम दिखाई देते हैं। इन्फ्लुएंजा हुआ, मलेरिया हुआ, कॉलरा हुआ, एपिडेमिक जो भी डिजीज होते हैं उसमें भी, मलेरिया वगैरह में भी इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और दूसरा एंटी ट्यूबरकुलर प्रॉपर्टीज इसके तेल में पता चलता है, अगर इससे सिद्ध तेल बनाया जाए तो ये एंटी ट्यूबरकुलर मतलब जो टीबी, एंटी टीबी इसका प्रॉपर्टी रहता है, तो उसमें ये बहुत अच्छा। और दूसरा है कि एंटी टीबी जो कुछ कुछ दवाइयां रहती हैं जैसे आइसोनियाज़िड, ऐसे जो टेबलेट है उसमें भी तुलसी का कुछ ना कुछ महत्व रहता है, डाला जाता है। तो इसी तरह से तुलसी पे बहुत ज्यादा रिसर्च हो गया है, आप लोगों को रिसर्च पेपर देखना हो तो पबमेट या गूगल स्कॉलर, ये जो हमारा गूगल का, ये गूगल से मिल जाएगा, पबमेट या गूगल स्कॉलर, उस पे से आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा तुलसी पे रिसर्च हुआ है और पूरी दुनिया तुलसी का फैन है। मतलब भारत में तो हम लोग बहुत ज्यादा धार्मिक रूप से महत्व जानते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में तुलसी को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। अब मैं अनम्यूट करता हूँ, आप लोग कुछ बताइए तुलसी के बारे में, 1 मिनट में ये अनम्यूट करता हूँ जी। कंचन मैम आप कुछ बताएंगी तुलसी के बारे में? प्रणाम सर जी जी। मैम, सर मैं इसका बहुत यूज करती हूँ सर, और जैसे फीवर के पेशेंट में भी, और बहुत बार मैं मतलब जो जितने भी कैंसर पेशेंट्स आते हैं सभी में मैं ये विषगना करके इसको मेडिसिन में ऐड करती हूँ। एक तो तुलसी पंचांग स्वरस करके हमारा आता है, या फिर कभी कभी मैं तुलसी घनावटी भी चलाती हूँ। आरोग्यवटी जो है उसमें भी तुलसी कंटेन है, तो वो भी बहुत बार मैं चलाती हूँ। तो तुलसी बिल्कुल आपने सही बताया और बहुत अच्छा बताया कि ये सही में एक विषघ्न कवात कफग्न करके काम करती है, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। मैं बहुत बार जैसे कि किसी को कुछ काट गया है और उसको लेप लगाने के लिए बोलना है, तो तुलसी का पौधा अगर घर में है तो उसकी मिट्टी को भी लगाने के लिए बोलती हूँ, तो तुरंत वो इन्फ्लेमेशन भी कम कर देता है और वहाँ का विष जो है वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है मिट्टी। तो पूरा जो रेडनेस है, इचिंग है, या जहाँ वहाँ पे छोटा सा बॉइल अगर आया हुआ वो पूरा सबसाइड हो जाता है। और तुलसी स्वरस तो हम बचपन में भी मम्मी वगैरह हम लोगों को पिलाती थी। कुछ बहुत बार तो हंसते खेलते हम ग्राउंड में खेल रहे हैं तो घर में पौधा लगा ही रहता था, बड़ा सा आंगन है गांव साइड में, तो उसके पत्ते लेके चबा के खाना ये आदत रही है। और बहुत बार ये सिटी साइड में, हम जैसे मुंबई में रह रहे हैं तो यहाँ पे इन लोग बहुत सारे लोगों को तुलसी का महत्व भी पता नहीं है, घर में होनी चाहिए ये भी पता नहीं है। पहले जैसे बच्चे डर के उठते थे या फिर कैसे, तो मम्मी मतलब मुझे भी तकलीफ थी बचपन में कि हम मैं रात में सोते समय बीच में उठ जाती थी, तो तुलसी के पास ऐसे छोटा सा पानी का लोटा रख के वहां पे रख देती थी और सुबह उठने के बाद उसको पिलाती थी। तो वो पता बाद में चला कि सर वो भूतग्नि भी मानते हैं हम, तो जैसे बच्चे डर जाते हैं किसी कारणवश या ड्रीम्स में किसी किसी को देख लेते हैं या फिर कुछ भी जो भी होता है ग्रह बाधा,
तो उससे भी वो बच्चों को बचाती है। तो ये और जिन जिन को भी पता होता है ये सब चीजें करते हैं, गांव साइड में भी करते हैं। यहाँ पे भी मुझे बहुत अच्छा लगता है तुलसी का पौधा, तो मैं मोस्टली मेरी विंडो है उसमें रखती हूँ। और बहुत अच्छे, मतलब एक अलग वाइब्रेशंस होते हैं तुलसी का पौधा पास में होने की वजह से भी। जैसे कि पास में भी हो तो बोलते हैं कि ये मॉस्किटो को भी आने नहीं देती है। मतलब जैसे विषम ज्वर की सभी अवस्थाओं में हम इसे चला सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा पौधा है। और हम इसमें जैसे हम क्या बोलते हैं, भगवान का एक दर्जा देते हैं, क्योंकि इसकी तुलसी विवाह भी कराते हैं बहुत बार। तो इसमें यहाँ पे हम एक भगवान, जैसे कि भगवान को प्रसाद भी चढ़ाते हैं, तो भी हम वहाँ पे प्रसाद में भी तुलसी के छोटे छोटे पत्ते हम रख के फिर उसको चढ़ाते हैं। तो ये तुलसी को बहुत ही महत्व दिया गया है सर। वैसे भी मतलब जैसे हमारे आयुर्वेद में तो है ही, पर हम वैसे भी पूजा पाठ में भी तुलसी को बहुत ज्यादा महत्व दिया दिया गया है। जी सर। जी, और एक पौराणिक कथा भी है, आप लोग को मालूम होगा कि तुलसी जो थी वो राक्षसी थी, तो सुरसा नाम था उनका। तो उनके जो पति थे उनको कोई नहीं मार सकता था, केवल विष्णु भगवान ही मार सकते थे। तो वो बहुत ताकतवर राजा थे, तो असुर थे, तो विष्णु भगवान ने मार दिया। तो सुरसा जो थी तुलसी, वो रोते रोते गई विष्णु भगवान के पास कि आपने मेरे पति को मार दिया, अब मैं क्या करूं। तो विष्णु भगवान ने कहा कि अब मैं तुमसे विवाह कर लेता हूँ। तो फिर वो बोली कि आपके तो बहुत सारे शादी वगैरह सब हुए, तो मुझे क्या मिला विवाह करके। तो बोले कि आपको मैं ये आशीर्वाद देता हूँ कि वरदान देता हूँ कि आपके बिना कोई भी भोग मनुष्य चढ़ाएंगे वो मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि वो विष्णु भगवान की बहुत बड़ी भक्त भी थी। तो इसीलिए हम तुलसी का इतना ज्यादा महत्व देते हैं, और तुलसी विवाह का ये भी होता है, फेस्टिवल भी होता है। बाकी लोग कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए प्लीज, तुलसी के बारे में क्या आप लोगों का मत है कुछ। एक मिनट, में अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। हाँ, वैद्य कात्यायन जी, अजय जी, कुछ बताना चाहेंगे तुलसी के बारे में? जी सर, पर हम थोड़ा पूछना चाहते हैं आपसे कि क्या ये 60 और 8, 7 प्रकार और 8 प्रकार बताया आपने, हाँ तो ये 8 प्रकार तो हमारे समझ में आ गए, लेकिन 60 प्रकार भी होते हैं क्या? पूरी दुनिया में यूरोप का, रशिया का, वो सब पूरी दुनिया का मिला के, मतलब उनकी प्रजातियां होती है जी सर, साठ भी लैटिन होते हैं ना? में। जी, जैसे यूरोप की तुलसी अलग होती है, रशिया की अलग होती है, ऑस्ट्रेलिया की अलग होती है, तो 60 ठीक है सर, थैंक प्रकार यू, की तुलसी मिला जाता है। ठीक थैंक यू सर, थैंक यू, चलिए। है, थैंक यू। और गंगवार सर, मंदाकिनी मैम, कुछ आप लोग बोलना चाहेंगे तुलसी के बारे में? अर्चना मैम, कुछ बोलिए आप लोग। हाँ सर, बोलेंगे। सर बहुत अच्छा मेडिसिनल प्लांट है और हम लोग इसकी पूजा भी करते हैं। और ये हमारे घर में, मतलब जैसे कि हम लोग जब बचपन में छोटे थे तो कभी भी गला बैठ जाता था या थोड़ी सी भी खराश होती थी, तो हमारी मम्मी कहती थी कि तुलसी के 2-4 पत्ते ले लो और काली मिर्च ले लो, और उसको केवल चूसना है, चबाना है, खाना नहीं है। और जैसे हम छोटे छोटे होते थे तो हम लोगों को उसमें मिश्री भी मिला के दे देती थी कि गला बैठा है तो इसको चूसते रहो, चबाते रहो, तो इससे आपका गला भी ठीक हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता था कि हम लोग कहीं बाहर से आते थे तो छोटे बचपन में, तो हमारी दादी से हमको याद है, तो वो कहती थी कि जाओ, मतलब उन्हें कुछ ऐसा लगता होगा कि शायद हम कहीं, पहले हम जहाँ गांव में रहते थे तो वहां पे ज्यादा काफी बड़े बड़े और ऐसे सुनसान एरिया होते थे जब हम कहीं से आते थे ना, तो उन्हें लगता था कि जैसे कहीं कोई ऊपरी साया ना हो या कुछ ऐसा हो, हमारे चेहरा डल सा लगता था, तबीयत खराब भी रहती थी। तो वो उसी समय थोड़े से तुलसी के पत्ते पानी में डलवा करके और उसी से हम लोग को नहला दिया करती थी। और कई बार हमारे घर में मैंने अपनी नानी को देखा था, वो तुलसी के जो सूखे पत्ते होते हैं उनको और नींबू के सूखे पत्तों को मिला करके जला करके धूपन करती थी मच्छर मच्छर को भगाने के लिए। और तुलसी जी का तो हम लोग ऐसे चाय में भी तो काफी अच्छे से यूज करते हैं, और ठंडियों, जैसे ठंडी हो या बुखार हो, बुखार में भी हम लोग तुलसी जी का यूज करते हैं बुखार के लिए। और जैसा कि आपने कान में दर्द के लिए बताया, तो कान में दर्द में भी हम लोग इसको रस को डालते हैं, और बुखार में ऐसे थोड़ी सी कमजोरी भी आ जाती है तो सर उसमें हम लोग अक्सर ये मैंने देखा है कि पत्तियों में थोड़ा सा शहद मिश्री मिला करके भी देते हैं, तो उसका अच्छा इफेक्ट आता है। तो
तुलसी जो है मल्टीपर्पजली बहुत अच्छा इसका मंदाकिनी मैम का आवाज चला गया, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। तुलसी का जो है ना महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा महत्व है, यहाँ पर जो बारी किया जाता है, यात्रा किया जाता है आलंदी से, देहूर गांव से, जो पंढरपुर के लिए जो यात्रा किया जाता है, तो लोग ना माला पहनते हैं तुलसी की। तो जो लोग माला पहन लेते हैं ना, वो लोग नॉन वेज नहीं खाते पूरी लाइफ। ऐसा एक व्रत होता है कि हम अगर तुलसी की माला पहने हैं ना तो नॉन वेज नहीं खाएंगे पूरी लाइफ। जी इस पे माधुरी मैम आप कुछ बताएंगी, माला पहन लिया तुलसी का तो नॉन वेज नहीं खाते, इसका क्या महत्व है? सर ये ना वारकरी संप्रदाय है सर, इसको बोलते हैं जी वारकरी लोग जो पंडरपुर पे यात्रा, वो स्पेशली ना बोलते ना ये बचपन से ही मतलब भगवान के ना विठल भगवान के भक्त रहते हैं उनका ही गुरु, वो लोग ये माला पहनते हैं और वो मतलब ना प्रतिज्ञा रहती है कभी नॉन वेज नहीं खाएंगे। जो ज्ञानेश्वरी ज्ञानेश्वर के जो भक्त है ना ज्ञानेश्वरी के, महाराज ने भी उधर ये किया था ना आलंदी में, तो इसलिए सर वो माला पहनने वाले इनको वारकरी संप्रदाय तैयार हुआ है जो विट्ठल, वो लोग ये नहीं खाते बिल्कुल ये नहीं, और बहुत सात्विक लोग रहते हैं सर ये बहुत ही। आप तुलसी के बारे में कुछ बताइए ना मैम। सर मैं तुलसी खांसी सर्दी हुआ बच्ची को तो मैं तुलसी को ऐसे ही क्रश करके बोलते है ना कलबत्ते में उसमें थोड़ा काली मेरी शहद डाल के उसको चाटन देती हूँ मैं, कभी कभी सीतोपलादी के चूर्ण में ही मिक्स करके सर, वो ऐसे नहीं खाती तो ऐसे ही बोलते ना बारीक करके उसको पेस्ट शहद के साथ देती हूँ सर, कभी लगा उसको तो ऐसे उसका थोड़ा सा जूस और हल्दी डाल के भी वो भी लगाया तो भी बहुत अच्छा सर फर्क आता है, स्किन का कोई इन्फेक्शन हुआ ना सर तो उसमें भी आता है सर। मोस्टली तो मैं चबा के ही खाने को देती हूँ, कोरोना में तो बहुत तुलसी का चाय बना के ही पिया है सर और ऐसे भी खाया है, और वो रेडीमेड ड्रॉप्स भी मिलता था सर तुलसी का केमिस्ट में, ऐसे वो पानी में डाल के सब ये कर देते हैं एंटीवायरल एक्शन उसका, तो सर उससे बहुत फायदा होता है, बहुत मतलब इम्यूनिटी भी बढ़ती है सर इससे। और ये आपने देखा है कि घर में तुलसी होने से एक सात्विक विचार भी आते हैं? हाँ सर वाइब्रेशन अच्छा रहता है वो है सर बराबर। सर इस समय मेरे यहाँ तुलसी जी बहुत सारी लगी हुई है, मैं उठा उठा करके बांटने लग रही हूँ अपने यहाँ, और मतलब बहुत ज्यादा इस समय मेरे यहाँ हो रही है सर, और दिन भर उसकी सुगंध जो है मेरे घर में आती रहती है। तो अभी आपने बताया ना जैसे कि ऑक्सीजन रहता है, तो अभी मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है इसकी वजह से थोड़ा सा अच्छा लगता है महंगे सुनुष्का। और वो जो मथुरा में एक वन है ना मधुवन, वहाँ पे कृष्ण भगवान और राधा जी आते हैं नृत्य करते रात को, निधिवन हाँ वो तुलसी का ही तो है, रात को बंदर उंदर भाग जाते हैं और वहां पे वो लोग नृत्य करने रोज आते हैं, और वो मंदिर में पान वगैरह रखा रहता है। तुलसी जी है लेकिन प्रॉपर पूरी तुलसी जी नहीं है वहाँ पे, वहाँ के पेड़ अलग अलग हैं और उस पेड़ की जो डिजाइन है ना सर वो एकदम ऐसे ऐठे ऐठे से पेड़ है, मतलब आप वहाँ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे कैसे कैसे नहीं किसी के हाथ ऐठ जाता और पैर ऐठ जाता, वो पेड़ पूरे उसी वक्र टाइप में है पूरे प्रॉपर तुलसी, तो तुलसी जी है लेकिन सारी जगह तुलसी जी नहीं है वहाँ पे जी। सर ज्वर वगैरह आए तो हमेशा तुलसी का चूर्ण डालना ही चाहिए, वो अगर द्रव्य है ना जी। तो वो काम करता ही है, चिकनगुनिया बोलिए मलेरिया बोलिए डेंगू, मैं तुलसी का उसमें चूर्ण डाल के देती हूँ तुलसी विषग्न प्रभाव होता है, हाँ विषग्न, तो मैं हमेशा ज्वर के पेशेंट में डालती हुई हूँ तुलसी का, वो फर्क आ ही जाता है जी। और मैंने अपने सर के पास जमदग्नि सर के पास देखा है कि तुलसी के बीज और शहद, नहीं तुलसी का बीज और फाणित होता है ना मराठी में काकवी बोलते हैं, जो मतलब गुड़ बनाते टाइम जो ऊपर का झाग होता है जिसको मैली बोलते हैं हिंदी में, तो वो काकवी मराठी में और संस्कृत में फाणित बोलते हैं, उसके साथ तुलसी का बीज देते हैं सर तो वेट लॉस होता है, ऐसा सर ने हमें बताया, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और जहाँ सर दहार है ना वो सब्जा का पानी पियो तो बहुत अच्छा फर्क आता है सबसे, मूत्रल भी है और ये बहुत ही ट्रीटमेंट है सब्जा यूज करने जी।
और आप लोगों ने एंटी फंगल, रिंग वॉर्म, एक्जिमा वगैरह में लगाया है तुलसी का स्वर स्कल? बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जो भी सतत ज्वर, संतत ज्वर, अन्य दुष्ट, तृतीयक, चतुर्थक, सारे ज्वर जो है ना, विषम ज्वर, उसमें तुलसी का क्वाथ देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और हमारे भारतीय संस्कृति में बेल, दुर्वा, तुलसी, ये सब कितना महत्वपूर्ण वनस्पतियां हैं। और हर जगह नीम के पेड़, ये सब क्या है कि एंटीवायरल, इनका प्रॉपर्टी है कि वायरस वगैरह नहीं आते, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता जी। डॉक्टर शशि मैम आप कुछ बताइए, नेचुरोपैथी में इसका प्रयोग होता है क्या? तुलसी के जो रूट का जो मिट्टी होता है, मड थेरेपी में यूज होता है क्या? शशि तिवारी मैम सुन पा रही है क्या? नहीं सुन पा रही है। कोई और कुछ बताना चाहते हैं तुलसी के बारे में तो कृपया बताइए। हाँ जी, हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर जी। हाँ जी सर, ऐसे नेचुरोपैथी में वो नहीं है जैसे उसमें है, वैसे ही है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। हाँ तो सर, मेनली मैंने जो यूज किया अपने पेशेंट को, मैंने बाजीकरण के लिए भी इसको यूज किया है। जो तुलसी के बीज होते हैं, मैंने अपने सेंटर पर बहुत ज्यादा लगाया हुआ है। पहले तो मैं शुरुआत में मेनली इस वजह से भी लगाते थे कि कीड़े मकोड़े नहीं आते, या जो और सारे नाजुक पत्तियों वाले प्लांट होते थे ना, उनको कीड़े खा जाते हैं। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप लगा देते हो तो वैसे कीड़े नहीं आएंगे, तो और सारे प्लांट प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो उस वजह से भी ऑफिस में हर दो गमले के बाद एक तुलसी का गमला रखा हुआ है। तो सीड काफी निकले थे तो उनको मैंने स्टोर करके अच्छे से रखा था। तो बाजीकरण की औषधियां जब मैं पेशेंट को दे रही थी, तो उसमें मैंने अच्छा खासा अमाउंट में फिर इसको भी डाला हुआ था, और अच्छे रिजल्ट हैं। तो क्योंकि प्रियवर शर्मा में पढ़ा था कि बल्ले है और बाजी कारक है, तो वहां पर यूज किया है। अभी ऐसे नहीं यूज किया, मतलब लेप वगैरह के फॉर्मेट में। सर आज आपने बताया, मैं लेप के फॉर्मेट में भी अभी यूज करूंगी। और वैसे तो तुलसी हर जगह यूज होता है, मतलब बचपन से ही है कि किसी को भी विषम ज्वर आता है या नॉर्मली थोड़ा थोड़ा बुखार बना रहता है बॉडी में, लोग बोलते हैं तो उसमें बोलते हैं कि 3-4 काली मिर्च ले लो और 4-5 तुलसी के पत्ते ले लो, और वो तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। और कई बार तुलसी ऐसे ही चबाते हैं, या आज आपने दांत वाला बताया, हालांकि मैंने उसको यूज नहीं किया है, बट मैं उसको भी यूज करूंगी। और कर्ण वाला सर, कर्ण मतलब वेदना के लिए बताया हुआ है ना, उसका स्राव मतलब उसका जूस डालने के लिए। जी जी सरस जी जी सर, तो वो वाला मैं यूज करूंगी। और तो ये पता है मुझे, लेप वगैरह लगाते हैं, अभी तक लगाया नहीं था, बट उसको भी यूज करूंगी मैं सर। और अनुपान के रूप में, जैसे आरोग्य वर्धनी का बताते हो कि तुलसी स्वरस है, अदरक स्वरस, इन सब चीजों के साथ, या त्रिभुवन कीर्ति के साथ होता है, या आनंद भरे रस के साथ, इन चीजों के तुलसी के स्वरस के साथ लिया जाए तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं सर जी। तो तुलसी वैसे ही अपने त्रिभुवन कीर्ति रस के उसमें डालते हैं, मतलब हाँ उसमें डालते हैं। जैसे कई बार ये भी होता है ना कि कई सारे मेडिसिन में वो चीजें कम पड़ी हो, तो हम 2-3 चीजें फेवर करते हैं कि एक तो अनुपान जो उसका है उसमें डाल दो, और कई बार किसी चीज का साइड इफेक्ट कम करने के लिए भी चीजों को डाल दो। तो ऐसे में बहुत सारी चीजों में, जैसे दुग्ध का सेवन क्यों कराया जाता है या तुलसी स्वरस का, और अपने यहाँ चरणामृत में तो होता ही है, और भगवान जी के मंदिर में प्रसाद में जो तुलसी का जल मिलता है उसका मतलब एक अलग ही, कहते ना एक अलग ऑरा होता है और एक अलग सा स्मेल और मतलब टेस्ट होता है। तो बचपन से हम लोग चरणामृत पीते थे, जो सिर्फ तुलसी पड़ा रहता है भगवान जी का, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो तुलसी तो है ही बहुत बड़ी चीज है, हम लोगों ने उसकी कीमत को नकार दिया था, सो अलग बात है, बट अभी सब फिर से जान रहे हैं। और हमारे शास्त्रों में क्यों उसको मतलब देवी का या भगवान का दर्जा दे रखा है, क्योंकि उसके औषधि गुण तो बहुत ज्यादा है, एंटी कैंसरस भी होता है, कैंसर के केस में भी यूज करना चाहिए जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बताया आपने, थैंक यू। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं तुलसी के बारे में। कुछ बोलना चाहता था। हाँ जी सर, इसका मैं प्रैक्टिस करता हूँ वैसे तो अपने मतलब इसमें क्लिनिक में। बाकी सर इसको ना मुख्य रूप से मैं इसका माला भी खुद बनाता हूँ, इसका जो तुलसी के माले होते हैं ना वो मैं बनाता हूँ, और साथ में सो क्या वैष्णव संप्रदाय के लोग भी धारण करते हैं, तो इसका बहुत महत्व है अपने वैष्णव संप्रदाय में। तो सर ये एक्चुअल में इसका उपयोग मैं ज्यादातर शुक्र स्तंभन में करता हूँ, जो शुक्र दाह होता है उसको कम करने के लिए। इसका मैं मतलब ऐसा अपना प्रॉपर, मेरे गुरुजी एक हैं उनका नुस्खा मैं मतलब उपयोग करता हूँ। जैसे कबाब चीनी, आपका आधा किलो कबाब चीनी में एक पाव तुलसी के जो बीज होते हैं सर, उसको डाल करके मैं उसी रासाओं के साथ 5-5 ढक्कन के प्रमाण में उसको मैं देता हूँ। तो सर उसका जो जो मतलब जो शीघ्र पतन की समस्या होती है और इनफर्टिलिटी की भी जो समस्या होती है, इसमें
लो लिबिडो की समस्या, वो बहुत मतलब बहुत हद तक उसमें दूर हो जाती है। और मेरे दो पेशेंट इसमें सक्सेस भी हुए हैं, तो इसका बहुत मतलब उपयोग है सर। साथ साथ में बुखार में तो देते ही देते हैं, ज्यादातर इसके बीज का उपयोग मैं करता हूँ और पत्र का उपयोग बुखार में करता हूँ सर। जी बहुत अच्छा बताया आपने। और आपके सर एक माला भी भेजूंगा मैं इसका जो बना करके। जी जी सर, जी सर, जरूर भेजिए। सर इसकी माला कैसे बनाते हैं आप? इसका माला ना मैम जो अपना रेतने का आता है ना, जो रेतने का जो जिसमें रेतते हैं मैम, जैसे कि क्या बोलना चाहिए, जो जंक वगैरह होता है ना मैम, जो लोहे का, उसको रेतने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं ना मैम, जो पेपर आता है, जो मतलब जिसमें रेतने से उस जंक हट जाता है कहीं पर कभी, तो उसको मैं रेतमल बोलते हैं मैम, उसको रेतमल पेपर होता है, तो उसको लाता हूँ। और साथ में एक रेतने का लोहे का आता है, उसको बोलेंगे रेतने का चाहिए लोहे का, तो उसमें छोटा बड़ा साइज आता है मैम, तो जितने बड़ी माला मतलब दाना आपको निकालना है उतना छोटा आपको घिस करके पहले तो रगड़ाई करना पड़ता है पूरा, मतलब जो तना है सूखा हुआ उसको साफ करने के बाद में उसको आपको पूरा डिजाइन देना पड़ता है, मतलब कटिंग करना पड़ता है, और उसके बाद उसमें आपको डिजाइन देना है, मतलब तने को काटना नहीं है, सिंपल आपको बस एक उसमें वो देते जाना है, चिन्ह देते जाना है, मतलब चिन्ह ने आकार का दाना बनाना चाहते हैं, और उसके बाद में उसके मैम उसमें डिजाइन बनाना है, फिर उसको आपको कटिंग करना है मैम, और उसे छेद करने के लिए सुई का उपयोग करना है, जैसे कि सुई होता है पतला पतला मोचियों के पास में, वो सुई से वो छेद हो जाता है, उसको आप अलग से बनवा सकते हैं, फिर उसके बाद उसको गूंथ करके पहन सकते हैं। मतलब उसमें फिर आप जो कास्ट यूज करते हैं ना, तो आप प्रमाण और वो देखते होंगे ना कि कैसा है, क्योंकि कुछ मतलब कास्ट जो होता है वो टूट तो भी जाता होगा ना बनाने में। बहुत मैम, मतलब आप एक अपना जो अंगूठा है ना, जैसे एकलव्य ने अपना अंगूठा दान किया था ना गुरु द्रोणाचार्य को, तो वैसे ही आपको ना तुलसी बनाने के लिए आपको जो राइट साइड का अंगूठा से अगर आप यूज कर रहे हो कटिंग करने के लिए, तो वो आपको दान करना पड़ेगा, मतलब वो आपका फ्रैक्चर रहेगा हमेशा, जो मतलब तुलसी का माला बनाता है ना मैम, उसका एक अंगूठा जो राइट साइड का होता है ना, वो फ्रैक्चर होता है। आपका है क्या? हाँ मैम, मेरा मतलब बहुत ज्यादा फ्रैक्चर हो गया था, फिर मैंने क्या मैम आयुर्वेद में जब मैं आया 2 से 3 साल पहले, तो मैं बहुत बनाया उस टाइम तो, लेकिन जब मैं नाड़ी परीक्षण वगैरह करना प्रारंभ किया, फिर मेरे को लगा कि मतलब अंगूठे का भी रहना जरूरी है पकड़ने के लिए, तो सही से उसको फिर मैंने मतलब वो करना शुरू किया, मालिश वालिश किया मैंने, और कुछ अस्थि पोषक वटी और मांसपेशी लक्षादि गुगल वगैरह लिया, तो फिर मेरा वो ठीक हुआ मैम, बहुत मुश्किल में हुआ, चीरवल आदि तेल वगैरह मैंने मालिश किया, बाकी अभी ठीक है, बाकी फ्रैक्चर है मैम अभी भी। सर अरविंद सर, मुझे ऐसा लगता है जैसे सर बता रहे हैं कि अंगूठा फ्रैक्चर हो जाता है, सर कहीं ना कहीं इसकी तीक्ष्णता और वो ताम्र भस्म जो ताम्र इसके अंदर है, कहीं ना कहीं सर उसका इफेक्ट तो होता होगा ना? अति मेहनत से और अति बारीक काम करने की वजह से। जी जी, वो मैम वो उंगली में ना वात दुष्टि हो जाता है, और उसकी वजह से वहां पर ग्रीस खत्म हो जाता है, तो वो जो उंगली है ना मैम, जो अंगूठा होता है मुड़ जाता है पूरा पीछे, ऐसे आपका रबड़ होता है ना मैम आगे पीछे मुड़ जाता है, तो मतलब वो मुड़ जाता है, अंगूठा पीछे चले जाएगा आगे आ जाएगा। इलाज आप अपना हाथ दिखा सकते हैं सर, हमें देखना है कि आपका हाथ कैसे है। वीडियो अभी सही है सर, अभी सही है सर मेरा हाथ, वो मालिश करने के बाद सही हो गया। अच्छा, लेकिन हमें देखना है कैसे आपका हाथ। मैं आपको ना ये तो ठीक हो गया है, मैं अब आपको अपना उसका भेजूंगा फोटो में सर, क्या बोलना चाहिए, ग्रुप में डालिएगा। एक सेकंड सर, अगर वीडियो हो पाता है तो मैं ग्रुप में डालिए, हमें देखना है कि क्या हो जाता है। जी जी सर, जी सर, एक सेकंड, वीडियो तो वीडियो आ रहा है सर अभी, एक मिनट रुके। हाँ हम देख रहे हैं, एक मिनट रुके, मैं आपको स्पॉटलाइट करता हूँ। हाँ थोड़ा लाइट अपना चेहरा पे लाइट आने दीजिए, आपके चेहरा पे लाइट है। जैसे कि सर ये मेरा अंगूठा, ये उंगली है ना एक साइड का, ये देखिए ये मतलब ये सीधा है सर, लेकिन देखिए थोड़ा टेढ़ा हो गया है, मतलब ये सीधा है ये टेढ़ा, वैसा ही उंगली तो देखिए सर ये टेढ़ा है, देखिए ये वाला उंगली है टेढ़ा हो गया है, और जो अंगूठा था मैं ये पूरा मतलब एकदम वो हो जाता है, मतलब अचानक से पूरा मुड़ जाएगा आपका एकदम, इसमें इलास्टिसिटी आ जाएगी पूरी एकदम,
दिक्कत होता है मैम, दर्द भी होता है, ऐसा नहीं है कि वो इलास्टिक हो गया वो जगह अपना तो दर्द नहीं होगा, मतलब दर्द बहुत होता है इसमें, जब मुड़ जाता है तो दर्द बहुत होता है अभी भी। जी सर जी ठीक है, बहुत अच्छा लगा। आप इसका थोड़ा वीडियो या फोटो हमें ग्रुप में भेजिए ना, हम और थोड़ा अच्छे से समझेंगे इसको, क्योंकि जी सर, जी सर बिल्कुल। इसका आपका क्या यहाँ पे बिजनेस क्लियर नहीं आ रहा। जी सर, इसमें मतलब क्या भेजना है सर? इसका माला बनाते हुए भेजना है माला कि? बनाते हुए भी भेजिए, और आपकी उंगली कैसी है? हाँ उसको, वो तो सर पहले से ठीक है, ज्यादा मूर्ति नहीं है, और जब मूर्ति तो पूरी दर्द बैठ जाती है उसमें। वो हमें देखना है ना, थोड़ा वीडियो छोटा सा बना के भेजिए ना, आपकी हाँ उंगली बिल्कुल कैसी है? बिल्कुल, हाँ मेरा उम्र सर लगभग 24 साल है। हाँ जी सर ठीक है, आप जी भेजिए, हम देखेंगे कि आपका उंगली कैसा है। सर, जी सर ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल हाँ सर। थैंक यू। और किसी को तुलसी के बारे में कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। और वैद्य ईशुकांत जी, आप कोई पेशेंट लेके आने वाले हैं शायद, ऐसा आपने कहा था। जो होगा 8-15 में, इसमें मतलब मैं ले करके आऊंगा उसको, वो ठीक है मतलब चले गए हैं सर, डायग्नोस मैंने कर लिया है प्रॉपर, जी जैसे जैसे मैंने समझा है, तो उसको मैं रखूंगा सर। जी जी सर ठीक है, और कोई तुलसी के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। किसी को कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है? अगर नहीं करना है तो हम सेशन बंद करते हैं, अब हम 8:15 पे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू।